नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बल अभियान को सही दिशा में लाने के लिए दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू और मौजमाबाद के सारे अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता को एक छत के नीचे सबको बुलाकर मीटिंग की आयोजन किया, जिसमें संबल अभियान के तहत पालन हार योजना एवं पुराना पेंशन योजना के सारे लाभ दूदू विधानसभा के हर जनता को मिल सके। संबल अभियान के तहत पालन हार योजना, पुराना पेंशन योजना के सारे आवेदन का खर्चा मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर आने पर वाले सारे खर्चा खुद ही वहन करेंगे। इसी को देखते हुए यह मीटिंग बुलाई गई। इसी कारण गरीब जनता के पेंशन रुक जाए, उसको तुरंत चालू करना आना हमारा कर्तव्य है। विधायक बाबूलाल नागर ने कहा है, बीसलपुर के पानी हर गांव हर घर घर में नल लग जाना चाहिए, जिसमें हर जनता पानी पी सके। इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों को आदेश पारित किए गए। उच्च जलाशय को निर्धारित मापदंड में अगर नहीं होता है तो दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसी साल के वादे के अनुसार दूदू विधानसभा क्षेत्र में यह कार्य पूरा करेंगे। पत्रकार डब्लू गोस्वामी, विधायक बाबूलाल नागर ने बताया, दूदू विधानसभा में जन सुनवाई सारे अधिकारियों के साथ पहला व तीसरा शनिवार फागी में और दूदू में दूसरा व चौथा शनिवार निर्धारित किया गया। सारे अधिकारी को निवेदन किया है, जन सुनवाई के तहत सारे अधिकारी जनता के सामने एक छत के नीचे सुनवाई रखे हैं। अधिकारियों को महीने में 4 छुट्टी मिलती है, इसी में से मेरे को और मेरी जनता को 2 छुट्टी आप लोगों को देने पड़ेंगे। इसी में कोई अधिकारी अगर 2 छुट्टी जनता को दे नहीं सकते तो वह अपना स्थान आंतरण करवा ले। दूदू विधानसभा में जनता के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। जनता मेरा गणेश है, जनता मेरी आत्मा है, उनके हर कार्य में मैं ध्यान देते रहूंगा। यदि कोई अधिकारी कार्य नहीं करे तो वह हमारे दूदू विधानसभा में नहीं रहेगा। विधानसभा के बहुत लाखों रुपए तो बचा सकते हैं जिनको इस योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए, क्योंकि आज तक जहां तक जब तक मैं सुन रहा हूं, ई मित्र पे हमारा अभी तक सरकारी नियंत्रण नहीं के बराबर है। ई मित्र वाले अधिकतर लोग निरंकुश है, जितने स्वीकृत उसका शुल्क है उससे ज्यादा शुल्क लेते हैं। इन सब बातों की परिस्थिति को देखते हुए मैंने एडीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने बैठकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी, मंथन करी, कैसे गरीबों को इस परेशानी से बचा सकते हैं। इसी मित्र वर्ग के जो अनियमितताएं करते हैं, करप्शन करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, उनसे कैसे निजात दिलाई जा सकती है, तो इसका रास्ता निकाला। क्यों नहीं 60 पंचायतों में इस तरह का जितना भी मित्र पर शुल्क जमा होगा, जो उसकी रसीद निकलेगी, क्यों नहीं ये सारा पैसा मैं अपने इस तरह पुण्य का काम है, ये इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं समझा मैंने। मैंने मनन किया, ये पुण्य का बहुत बड़ा काम है, तकदीर वाले लोगों को मिलता है।